दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो और आपको नए फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2023 से किसी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंप्यूटराइज करनी पड़ रही है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके पास कोई भी हो सकता है, टेली सॉफ्टवेयर हो सकता है, डिजी सॉफ्टवेयर हो सकता है, लेकिन आपको उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का तो नॉलेज है, बट आपके पास प्रैक्टिकल अकाउंट्स किस तरीके से मेंटेन करी जाती है उसका एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, तो आपके माइंड में बहुत सारे सस्पेंस भी होंगे, थोड़ा बहुत डर भी होगा भी हम उस कंपनी की अकाउंट्स को टेली सॉफ्टवेयर में या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे उसमें किस प्रकार से मेंटेन करेंगे। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो और पहली बार इस नए फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग आप करने जा रहे हो या करना आप चाहते हो तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों के लिए जो बेसिक बातें हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमें कंपनी क्रिएट करने के बाद में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें शुरुआत में ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि अब 1 अप्रैल 2023 से आप जिस कंपनी की अकाउंट्स की शुरुआत आपने करी है मेंटेन करने की, तो जो फाइनेंशियल ईयर ये एंड हो जाएगा 31 मार्च 2024 को, तो उसके बाद आपको उस कंपनी की टैक्स ऑडिट भी करवानी पड़ेगी, जीएसटी की एनुअल रिटर्न भी आपको तैयार करनी पड़ेगी, और इस ईयर के दौरान आपको जीएसटी की रिपोर्टें भी, टीडीएस की, टीसीएस की भी तैयार करनी पड़ सकती है। तो ये छोटी छोटी जो बेसिक बातें हैं जिसके ऊपर हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उसको आपको आज ही सुधारना होगा, अदरवाइज हम उन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देंगे तो आगे जाके हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। लेकिन ये दिक्कतें क्या आएगी ये फ्रेशर अकाउंटेंट को पता नहीं होता, ये एक एक्सपीरियंस अकाउंटेंट होते हैं जिनके सामने ये दिक्कतें आ चुकी है तो उनको पता होता है कि अगर हम ये शुरुआत में गलती नहीं करते तो आज हमें इतना बड़ा टाइम हमारा वेस्ट नहीं होता। हालांकि आज ऐसा नहीं है भी गलती आगे जाके सुधारी नहीं जा सकती, सुधारी जा सकती है बट बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो ऐसा होना हो कि आगे जाके सुधारनी पड़े तो उसकी वजह हम आज ही उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चले भी अगर आप सॉफ्टवेयर कोई सा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मैं केवल टेली सॉफ्टवेयर की बात यहाँ पे नहीं कर रहा, लेकिन ये जो बेसिक सेटिंग की हम बात करेंगे टॉपिक वाइज ये आपको हर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है विशेषकर एक फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना, क्योंकि सारी बातें बेसिक है, हम आपको पार्ट वाइज आगे वीडियो देते रहेंगे भी, इसके बाद आपको किन किन बातों का और भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि सारी बातें अगर हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आज की वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला टॉपिक पे चलते हैं, लेजर क्रिएशन के बारे में, यानी कि जब भी आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी कि जो भी आप कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसके अंदर आपको लेजर है जो वो प्रॉपर सही तरीके से और पूरे नाम के साथ आपको क्रिएट करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम टेली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, क्रिएट पे हम जाते हैं, लेजर पे जाएंगे। अब मान लीजिए आपकी कंपनी का नाम है राम ट्रेडिंग कंपनी, तो शॉर्टकट हम क्या लिख देते हैं, वी राम ट्रेडिंग लिख के हमने छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये गलती आप जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर वो सॉफ्टवेयर को सीख रहे हो तब तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब रियल प्रैक्टिकल अकाउंटिंग मेंटेन करनी है, आपने शुरुआत कर दी, तो ये बातें आपको बहुत ध्यान में रखनी है, पूरा नाम, कस्टमर हो चाहे आपको सप्लायर हो, कुछ भी हो उसका नाम प्रॉपर दिखना है, जो भी उसका नाम है उस कंपनी का, ठीक है। उसके बाद सेकेंड बात आएगी उसका ग्रुप का सिलेक्शन। अब मान लीजिए अब ये राम ट्रेडिंग कंपनी है, इस कंपनी से आपने प्रोडक्ट खरीदे हैं तो ये आपके लिए सप्लायर होगा, तो सप्लायर को हम क्या रखेंगे, सेंट्रिक क्रेडिटर में। अगर ये आपका कस्टमर है यानी कि इसको आप गुड सेल करोगे तो ये आपका डेब्टर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है भी ग्रुप की सिलेक्शन है, जरूरी नहीं है सारे सेंट्रिक क्रेडिटर नहीं होते, सारे सेंट्रिक डेब्टर भी नहीं होते, बहुत सारे ग्रुप आपको इस लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, सभी ग्रुप का यूज होता है लेकिन अलग अलग लेजर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्रेडिटर क्या होता है, डेबिटर क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, बैंक अकाउंट का जो हमारा ये ग्रुप है उसका हम यूज किस तरीके से करते हैं, प्रोविजन का किस तरीके से करते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस का किस कंडीशन में करते हैं, तो ये सारी बेसिक बातें आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, उसका प्रॉपर एड्रेस, यानी कि जब ग्रुप की हम सिलेक्शन करने के बाद में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप पर, तो ये डिटेल आपको देखनी है, मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल, तो आप इसको यस रखोगे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें क्या होगा आगे जाके अगर मान लीजिए किसी सप्लायर का या किसी भी कस्टमर का अगर आपको इंटरेस्ट अगर कैलकुलेशन करना पड़ेगा
तो आपको दिखते नहीं आएंगी। तो आपको ये इस मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल के ऑप्शन को यस रख के चलोगे तो आपको पता रहेगा भी कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में पेमेंट आ चुकी है, कौन से इनवॉइस के पेमेंट अगेंस्ट अभी पेमेंट ड्यू पड़ी है। तो ये सारी बातें आपको साथ के साथ है जो पता चलती रहती है। उसके बाद में एड्रेस, अब एड्रेस आपको पूरी डिटेल यहाँ पे लिखनी है, आधा अधूरा एड्रेस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिखना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ जाती है इनवॉइस के प्रिंटिंग के टाइम में जहां पर हमें उस कस्टमर का एड्रेस प्रॉपर हमें पता होना चाहिए, बिलिंग एड्रेस कौन सा हो रहा है, शिपिंग एड्रेस उसका कौन सा जा रहा है। तो प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद उसका प्रॉपर स्टेट, कंट्री, उसका पिन कोड वगैरह, ये आपको डिटेल, अगर आप बैंक डिटेल नहीं करते हो तो सच्ची बचे नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ज्यादा कोई कंपलसरी नहीं होता बैंकिंग डिटेल का। उसके बाद अब बात ये आएगी टैक्सेशन डिटेल की, जैसा कि उसका पैन नंबर है, उसकी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब रजिस्ट्रेशन के अंदर भी आपको जीएसटी का जो नंबर है, चाहे आपको कस्टमर है चाहे आपको सप्लायर है, तो कई बार क्या होता है भी जब हम किसी नंबर को देखते हैं, जैसे मान लीजिए लास्ट में लिखा 1Z0, तो अब पता नहीं लगता भी ये जीरो लिखा हुआ है या ओ लिखा हुआ है। तो आपको प्रॉपर जीएसटी की साइट पे जाके इसको अच्छी तरीके से जीएसटी को नंबर को सर्च कर लेना है भी जो आपने यहाँ पर लेजर बनाया है। तो बहुत सी कंडीशन के अंदर उस प्रोपराइटर का नाम आता है, फर्म की कंडीशन के अंदर फर्म का नाम भी आ जाता है। तो आपको सबसे पहले वेरीफाई कर लेना है भी जो जीएसटी नंबर आप यहाँ पर लिख रहे हो वो जीएसटी नंबर सही है कि नहीं है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इसकी वार्निंग भी दे देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई आधा अधूरा जीएसटी नंबर लिख दिया, तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर वार्निंग भी दे रहे हैं भी आपका पार्टी का जो जीएसटी नंबर है वो इनवेलिड है, इनकम्प्लीट है, तो यानी कि ये सही नहीं है। तो आप इस मैसेज को इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, चाहे आपने ये तो मैंने आधा अधूरा लिखा लेकिन आपने मान लीजिए पूरा जीएसटी नंबर लिख दिया और उसके बाद जैसे एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे तो ये वार्निंग अगर आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये मिस्टेक हो रही है, आपका जीएसटी नंबर आपने सही नहीं लिखा। तो उस जीएसटी नंबर को बिल्कुल सही लिखना आपको पड़ेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट डिटेल्स होती है ये आपको पता होनी चाहिए, वैसे तो ये डिटेल आ जाती है कोई दिक्कत नहीं है, प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह कहाँ पे रहेगी, अगर पार्टी को ट्रांसपोर्ट रहा है तो आप इसको यस कर सकते हो, अदरवाइज ट्रेडिंग की कंडीशन के अंदर ये नो ही रहता है, अगर ट्रांसपोर्ट है तो यस करना है अदरवाइज इसको इग्नोर हम कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो बेसिक बातें हैं ना ये हमें बहुत ज्यादा पावरफुल एक अकाउंटेंट है जो बनाने में बहुत ज्यादा शो करती है, क्योंकि इसके अंदर ये छोटी छोटी बेसिक बातें हमारी जीएसटी की रिपोर्ट पे, इनकम टैक्स की रिपोर्ट पे, टीडीएस की रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है उसका। उसके बाद में लेजर क्रिएशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है स्टॉक आइटम का, यानी कि जब हम टेली सॉफ्टवेयर में कोई स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने का तरीका भी आपको बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। मान लीजिए कोई भी स्टॉक आप सेल कर रहे हो तो उस स्टॉक आइटम का पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना होता है। अब उसके बाद के अंदर ऐसा नहीं है भी उसका शॉर्टकट नाम हमने लिख दिया यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना, पूरा नाम जो आपके पास परचेज इनवॉइस के अंदर आया है उसको इनवॉइस को उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टॉक आइटम है जो क्रिएट करनी पड़ती है। ये नहीं है भी आपके स्टॉक आइटम का इनवॉइस परचेज इनवॉइस के अंदर तो नाम कुछ अलग है, लेकिन जब आप उसको बनाओगे तो आप अपनी लैंग्वेज के अंदर उस स्टॉक आइटम को क्रिएट कर रहे हो, प्रॉपर उसका स्टॉक आइटम का नाम, ताकि आपको स्टॉक मेंटेन करने में भी दिक्कत ना आए और काउंटिंग के टाइम में भी दिक्कत ना आए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इसका ग्रुप का, यानी कि अब आप इसका जो ग्रुप यहाँ पे प्रॉपर अच्छी तरीके से मेंटेन करोगे तो आपको स्टॉक वाइज डिटेल देखने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप यहाँ पर उसका अच्छी तरीके से स्टॉक का जो मेंटेन कर सकते हो। तो हालांकि इन सभी पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, स्टॉक आइटम क्रिएट किस तरीके से करी जाती है, लेजर किस तरीके से करी जाता है, कौन सा ग्रुप किस कंडीशन में काम आता है, वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, लेकिन ये काफी सारे अकाउंटेंट लोगों की रिक्वेस्ट थी भी हम पहली बार अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना है। तो मैं आपको केवल वही बातें बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है, मैं यहाँ पे वो नहीं बता रहा भी आपको क्रिएट किस तरीके से करना है। क्रिएट के वीडियो काफी सारे आप हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप टेली प्राइम की प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिए, टोटल वीडियो आपके टेली सॉफ्टवेयर के वहां पर अवेलेबल है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी बनती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके ऊपर भी आपको स्पेशल एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। उसके बाद बात आएगी यूनिट्स की, यानी कि जो आपने स्टॉक आइटम क्रिएट करी है उसका ग्रुप, सॉरी स्टॉक यूनिट्स है वो आपको क्या सिलेक्ट करना होता है, प्रोडक्ट आप किस कंडीशन के मतलब कौन सी यूनिट के अंदर आप सेल करते हो, केजी के अंदर सेल करते हो, पीस में सेल करते हो, क्विंटल में सेल करते हो, नॉन्स के अंदर आप सेल करते हो, तो आपको यूनिट्स अच्छी तरीके से क्रिएट करनी है ताकि स्टॉक आपका प्रॉपर मेंटेन रहे। और उसके बाद बार आएगी यहाँ पर स्टेशनरी डिटेल की, तो आपको अगर उस प्रोडक्ट पे जीएसटी एप्लीकेबल है तो आपको एप्लीकेबल रखना है, और उसके बाद में प्रॉपर उसका एचएसएन कोड, एसएससी डिटेल्स प्रॉपर अच्छी तरीके से मेंटेन करनी है, और उसका जीएसटी का टैक्स रेट क्या लगता है, यानी कि जो प्रोडक्ट आपने स्टॉक आइटम क्रिएट करी है वो जीएसटी कितने परसेंट में है, एग्जेम्प्ट है, 5% है, 12% है, 18% है या फिर 28% है,
तो प्रॉपर एचएसएन डिटेल के साथ 4 डिजिट आपके लिए, 6 डिजिट या 8 डिजिट, जितना आप मैक्सिमम डिजिट लिख सकते हो उतना ही आपको लिखना है, कम नहीं लिखना, ज़्यादा लिख सकते हो। तो उसके बाद में टाइप ऑफ सप्लाई आपकी गुड्स रहेगी, ठीक है। इस तरीके से आपको ये स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। तो ये आपको स्टॉक आइटम के अंदर, जैसे कि स्टॉक आइटम का नाम, उसका ग्रुप, उसका यूनिट और उसकी टैक्सेशन की डिटेल। उसके बाद बात आएगी वाउचर एंट्री की। वाउचर एंट्री का मतलब भी आपने स्टॉक आइटम वगैरह क्रिएट कर लिए, लेजर क्रिएट कर लिए, तो जब हम वाउचर की एंट्री करेंगे, अब मान लीजिए आपने कोई गुड्स परचेज किए हैं, तो आप परचेज वाउचर में एंट्री करोगे। तो परचेज वाउचर में एंट्री करने के बाद में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर प्रॉपर सही तरीके से लिखना है। बहुत सारे कई बार एक स्पेशल यूनिक के अंदर लिखा होता है इनवॉइस नंबर, तो हमें जो यूनिक नंबर हमारा आया हुआ हमारे पास में, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कुछ इस तरीके से आपके पास आता है, जैसे हमने लिख दिया है CA 2023-24/ मान लीजिए 005 है, तो आपको इस तरीके से अगर नंबर इनवॉइस के अंदर लग के आया हुआ तो ये प्रॉपर नंबर पूरा आपको यहाँ पर लिखना है। ऐसा नहीं है अभी आपने लास्ट की 3 डिजिट लिख दी तो पूरा जो यूनिक है वो आएगा, अदरवाइज आपका GST या 2A का मिसमैच आपको शो करेगा। उसके बाद में पार्टी का अकाउंट टाइम आप सिलेक्ट कर ही लोगे। सिलेक्ट करने के बाद जो प्रॉपर स्टॉक आइटम वगैरह आपके पास आइए, उन सभी स्टॉक आइटम की क्वांटिटी वगैरह डिटेल हम यहाँ पर मेंटेन करनी है। उसके बाद में सेम यही कंडीशन हमारी सेल के ऊपर भी लागू रहेगी। अब सेल के ऊपर लागू रहने के बाद में हम क्या करेंगे, सेल, अब जो आपका इनवॉइस का जो नंबर है, अगर आपकी मैनुअल इनवॉइस की सीरीज साथ में चलती है तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक की बजाय मैनुअल रखना पड़ेगा। और उसके बाद में पार्टी का जो अकाउंट नेम है वो आपको प्रॉपर सही तरीके से आपने लेजर क्रिएट के वक्त आपने बना लिया। अगर फिर भी अगर आपका कोई ऐसा कस्टमर है जो आपने ऑलरेडी नहीं बना रखा, तो हम शॉर्टकट यहाँ से क्रिएट करके भी बना सकते हैं, लेकिन बनाना हमें फुल डिटेल के साथ में है। और उसके बाद में सेम स्टॉक आइटम, उसकी क्वांटिटी, CGST, SGST भी हमें अच्छी तरीके से प्रॉपर सही तरीके से उसकी इनवॉइस की हमें सेटिंग करनी होती है। तो हालांकि ये मैंने केवल आपको बताया है ये किस तरीके से करी जाती है, मैंने पहले बता दिया, हमारे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। तो ये वीडियो स्पेशल मैंने उन लोगों का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बनाया है जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, उनको पता नहीं भी हमें शुरुआत किस तरीके से करनी है। तो शुरुआत आपको लेजर क्रिएट करनी है, स्टॉक आइटम क्रिएट करनी है, उसके बाद आप सही तरीके से वाउचर की एंट्री करना स्टार्ट करो। बहुत सारे अकाउंटेंट होते हैं भी हम साथ के साथ क्रिएट करते रहेंगे, ये साथ के साथ आप क्रिएट करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आपके पास लिस्ट है कंपनी की लेजर की ऑलरेडी, तो आप वहां से बना सकते हो। अगर मान लीजिए कंपनी ने अभी इसी फाइनेंशियल से ही शुरुआत करी है तो आप साथ के साथ भी क्रिएट कर सकते हो। तो यानी कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं, आगे जाके हमें टैक्स ऑडिट के टाइम में, GST की एनुअल रिटर्न के टाइम में, या GST की रिटर्न मंथ वाइज फाइल करते वक्त हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ जरूर सीखने को मिला है। फिर भी अगर आपकी क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो उसका ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। और कंपनी क्रिएट करने का तरीका, सेल्स वाउचर की एंट्री करना, परचेज वाउचर की एंट्री करना, लेजर क्रिएट करना, स्टॉक आइटम का क्रिएट करना, वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है।